ऐप में शिक्षा मित्र व अनुदेशकों को शामिल किए जाने पर ललितपुर के मडावरा में अनुदेशकों द्वारा प्रशिक्षण का बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। अनुदेशकों ने अपनी 3 सूत्रीय मांग पत्र SDM KK सिंह को सौंपते हुए बताया कि सरकार द्वारा अल्प मानदेय देने के बावजूद अनुदेशकों से कई गैर शैक्षणिक कार्य लिए जा रहे थे, साथ ही मानदेय में कटौती कर दी गयी, जबकि अप्रूवल बोर्ड द्वारा प्रतिमाह 17,000 रुपए दिए जाने की सिफारिश शासन द्वारा मंजूर की गई थी, जो उन्हें नहीं दिया जा रहा, बल्कि शासन द्वारा मानदेय बढ़ाए जाने की बजाय घटाकर 7,000 रुपए कर दिया गया। साथ ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे 100 छात्रों की बाध्यता को समाप्त करते हुए गृह ब्लॉक में तैनाती दी जाए। वहीं सभी अनुदेशकों के नवीकरण की प्रक्रिया को स्वतः रिन्यूअल होने वाला कार्य किया जाए। उक्त मांगों को लेकर तत्काल शासन आदेश जारी कराए जाने की मांग रखी गई। सबसे पहले तो प्रेरणा ऐप हम लोगों पर कहीं से भी लागू करना ये न्यायोचित नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ही अल्प मानदेय पर काम करते हैं और हम लोगों को मात्र 8470 से घटा के अभी 7,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जो भी हम लोग 3 महीनों से हम लोगों का लंबित है। तो सबसे पहली मांग हम लोगों की शासन से ये है कि हम प्रेरणा ऐप को उसी स्थिति में मंजूर करेंगे जब हमारा मानदेय 17,000 रुपये जो कि मार्च 2017 में केंद्र सरकार द्वारा पास कर दिया गया था और माननीय हाईकोर्ट ने भी इस के संबंध में सरकार को आदेश दिया है कि 9% ब्याज लगा के हम लोगों का सारा एरियर भुगतान कर दिया जाए मार्च 2017 से। तो सरकार ने इस मांग को अभी तक नहीं माना है और उसके विरोध में सरकार हाईकोर्ट की डबल बेंच में जा चुकी है। तो हमारा सबसे पहले सरकार से यही अनुरोध है कि जब तक हम लोगों का 17,000 रुपये मानदेय नहीं दिया जाता, साथ ही हमारे जो शिक्षक साथी अनुदेशक शिक्षक साथी दूर विद्यालयों से दूर तैनात हैं, बहुत दूर दूर के विद्यालयों में, उनको गृह ब्लॉक में तैनाती दी जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो हमारा नवीनीकरण जिसमें हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा शोषण किया जाता है, वह शोषण रोकने के लिए स्वतः नवीनीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाए, तभी हमें प्रेरणा ऐप्स मंजूर है, अन्यथा की स्थिति में हम इसका पूर्ण रूप से पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। तो ऐसे में अनुदेशक संघ या कल्याण समिति की क्या रणनीति होगी? जी, अगर हमारा हम पर दबाव बनाया जाता है, अनावश्यक दबाव, अगर हम लोग इसको बिल्कुल चाहे वो यहाँ ब्लॉक स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो, पूर्ण रूप से हम लोग मन बना चुके हैं कि जब तक शासन हमारी मांगों को नहीं मानता है, इसका विरोध हम करते रहेंगे, चाहे इसका हमें कोई भी खामियाजा भुगतना पड़े। अनुदेशक एकता, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।